उद्यमी योजना कैटेगरी सी वाले बहुत सारे लोग जैसे वाटर जेट वाले कह रहे हैं कि मेरा ट्रेनिंग कब होगा, तो वाटर जेट वाले का अभी 1 से 2 महीना समय लगेगा और कैटेगरी सी वाले का जब मैं बता दूं कि अभी जो बड़ी तादाद में जैसे 877 लोग आप लोग शामिल थे तो उसमें क्या है कि बहुत सारा लोगों का बड़ी मात्रा में शेड निर्माण होना है तो उसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो कैटेगरी सी वाले अभी तक जो है शेड अलॉटमेंट अगर मान लेते हैं आपका नहीं हुआ है या शेड अलॉटमेंट हो भी गया है तो उसके लिए आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए बस वहाँ पे आप जो है ऑफिसर को जो पटना में जाइएगा या जहाँ पे आपको ट्रेनिंग होना है वहाँ पे आप आवेदन देंगे तो आप जो है शेड अलॉटमेंट जो हुआ होगा वो भी आप चेंज भी कर सकते हैं। और प्लस में जिनका शेड अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 2 से 3 महीना समय लगेगा क्योंकि बन के अभी तैयार अभी होना बाकी है, अभी बन ही रहा है। उद्यमी योजना वाले का जो कैटेगरी सी वाले में शेड अलॉटमेंट होना था ना उसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 महीना आपको वेट करना है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल्टी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।